भारत देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है। इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक को अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, उनके प्रति अगर वो गर्व करना नहीं जानता है। इस संग्रहालय में संकलित है हमारी युगों पुरानी गाथा। कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने इस प्राचीन संस्कृति की नींव रखी, जिनके मार्गदर्शन में वैभवशाली सभ्यता का विकास हुआ, जिनके संरक्षण में ज्ञान विज्ञान की अतुल संपदा विकसित हुई और जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास रचा। भारत का यह बेजोड़ संग्रहालय बनकर तैयार हो रहा है 1,17,000 वर्ग मीटर के विस्तार में। इस ऐतिहासिक धरोहर के दोनों खंडों के 950 कक्षों में संकलित की जा रही है लगभग 5,000 वर्ष पुरानी भारत की अतुल सांस्कृतिक ज्ञान संपदा। क्या आप जानते हैं, युगों पहले हमारे पूर्वजों को मिश्रित धातु के निर्माण का ज्ञान था। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान के प्रतीक रूप ऐसे ही एक द्वार से प्रवेश करके आरंभ करते हैं भारत खंड की अभूतपूर्व यात्रा। पहुंचते हैं भारतवर्ष की प्राचीन समृद्ध परंपराओं के संसार में। आश्चर्य होता है कि युगों पहले भारत में सुनियोजित नगर व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की। क्या कभी सोचा है कि क्यों भारत में पर्वतों, समुद्रों, नदियों और पेड़ों की पूजा होती रही है? क्योंकि हजारों साल पहले भी हमारे विद्वान जानते थे कि जिन पंच तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ, उन्हीं से सभी प्राणियों की रचना हुई। हजारों वर्ष पूर्व भारत की चारों दिशाओं में पीठों की स्थापना की गई थी, जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। वेदों उपनिषदों में केवल आध्यात्मिक ही नहीं, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, ज्योतिष और विज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों का ज्ञान समाहित है। यही नहीं, ऋग्वेद में त्वचा रोग विशेषज्ञ विदुषी अपाला का वर्णन मिलता है। सुश्रुत की शल्य चिकित्सा, चरक के सिद्धांत और पतंजलि के अष्टांग योग की प्रासंगिकता हैरान करने वाली है। विश्वविद्यालयों का प्रचलन भारत में 2000 वर्ष से भी पहले से था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे अनेक विश्वविद्यालयों को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त थी। वैभवशाली मौर्य साम्राज्य के उत्थान और विस्तार के साथ ही यहां सातवाहन, पल्लव और कुषाण, गुप्त वंश का स्वर्णिम काल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर, पांड्य वंशों और कश्मीर आदि के शासकों की गौरव गाथाएं संकलित हैं। सोने की चिड़िया भारत का वैभवशाली गुप्त वंश हो या दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य वंश, सभी के व्यापारिक संबंध पश्चिम में मिस्र, ग्रीस और रोम तक फैले थे। युग परिवर्तन के साथ अब प्रवेश करते हैं मध्य काल में, जहां राजपूतों की शौर्य गाथा के साथ सल्तनत और मुगल युग का इतिहास संकलित है। चौहान, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, सिसोदिया और राजपूत राजाओं की केवल शौर्य गाथाएं ही प्रसिद्ध नहीं थीं, बल्कि उनके संरक्षण में कला, शिल्प, संस्कृति का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। राजपूतों, मराठों और मुगल शासकों के ही युग में उत्तर पूर्वी भारत में अहोम शासन और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का समृद्ध वास्तुशिल्प देखते हुए, होयसल, यादव, मराठा शासकों का इतिहास देखते हुए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। परिवर्तन के उस दौर की ओर
जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। पांचवें जोन में देखिए कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के साथ शुरू हुआ औपनिवेशिक शासन का विस्तार। 1760 से ही देश के सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी पाने के लिए ऐसा मोर्चा संभाला जिसे कंपनी 40 साल तक दबा नहीं सकी। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हर वर्ग के लोग अपने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई में आहुति देने उतर पड़े। लगभग 2 शताब्दी लंबे भारत के स्वाधीनता संग्राम की गाथाएं यहां संकलित हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत की आजाद हवा में स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया। सच है कि स्वतंत्र भारत के आगे अनेक आर्थिक सामाजिक चुनौतियां थीं। हर चुनौती को पार करने के लिए, सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र भारत ने फिर से राष्ट्र को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिक भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है, नई दिशाओं में नव प्रयोगों से नए आयाम तय कर रहा है। राष्ट्र को सुरक्षित बनाने के नित नए प्रयास सतत जारी हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में ऊंची उड़ान, दिन प्रतिदिन बढ़ता डिजिटल संसार, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान, दिनों दिन होता आर्थिक व्यापारिक विस्तार, शिक्षा का उत्थान प्रसार इस जोन के अन्य कक्षों में क्रमशः संकलित है। आज जब हम आजादी के अमृत काल से शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भारत के अतीत की अनमोल विरासत, वर्तमान के अथक प्रयासों और भविष्य की झलकियों की कहानियां समेटे बनने जा रहा है विश्व का यह सबसे विशाल संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय।